हे गाइस, ओके लेट्स स्टडी. ठीक है, तो आज मैं एक्चुअली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन. सही है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये रही आपकी इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. ठीक है, अब इसको आप जैसे ले लें एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड. अब आप इसको किसी भी चीज़ को इंटर एक्सचेंज करेंगे, तो जैसे अलजेब्रा में करते हैं हम, उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी मोस्टली चैप्टर वन में आएगी अकाउंटिंग के, जो कि आपका स्टार्ट होगा. अगर आपने जब स्टार्ट की होगी पढ़ना तब आई होगी, बट ऑफ कोर्स हम काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट्स ओके. अगर आप पढ़ चुके हैं और दोबारा रिविजन कर रहे हैं, तो एसेट्स हैं जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे कि जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, एसेट्स को आप यूज़ कर सकते हो. आपका कैश हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गई, मर्चेंडाइज हो गई, लैंड हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी एसेट्स हैं. ठीक है, एसेट्स को आप समझ लें जिस तरह आप गोल्ड रखते हैं, आप अपने पास लैपटॉप रखते हैं, और ये चीज़ें जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल करके आगे काम कर सकते हैं, वो आपके एसेट्स हैं. ठीक है, समथिंग दैट कुड बी यूज, समथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू. सही है, अब एसेट्स जो हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के बराबर होते हैं. अब पहले हम एसेट्स देख लेते हैं कि कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में जो यूजुअली बहुत सारे तरह के एसेट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं. सही है, तो अब चलें हम एसेट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हैं अवेलेबल. ठीक है, यह आ गया एसेट्स. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कैश हो गया, पैसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, आप नई चीज़ें ला सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो वो आपका एसेट हो गया. लैंड, ऑब्वियसली लैंड कौन यूज़ नहीं करता, आपकी बिल्डिंग, और लैंड तो हमेशा अप्रिशिएट होता है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती है. आपके पास कोई भी और एसेट हो, यूजुअली उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कम होती है. आपके पास मशीन थी, आपने मशीन को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई. ठीक है, लेकिन लैंड ऐसी चीज़ है जो अप्रिशिएट होती है, यानी जिसकी वैल्यू बढ़ती है. उसके अलावा आपके पास जितनी भी इस तरह की चीज़ें वो आ गई. ठीक है, उसके बाद रिसीवेबल्स. अब ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हम यूजुअली अकाउंटिंग में ही देखते हैं, जिसको हम एसेट्स में लेते हैं. रिसीवेबल्स क्या है? प्रॉमिस, किसी बिजनेस का आपके साथ प्रॉमिस कि मैं आपको पैसे दे दूंगा. ठीक है, अब बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता कि हमेशा कैश पे डीलिंग्स हों, ये बात आपको पता ही होगी. ऑब्वियसली जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं स्पेशली, सॉरी, उनमें ये होता है कि वो क्या करते हैं, क्रेडिट पे चीज़ें देते हैं. क्रेडिट क्या होता है कि अभी हम चीज़ें ले रहे हैं, पैसे बाद में देंगे. राइट, उनको एक अकाउंटेंट कैसे रखता है, वो कहता है ये रिसीवेबल्स हैं. इस बंदे ने मुझसे चीज़ें ले ली हैं, लेकिन रिसीवेबल्स मेरे पास हैं, यानी मेरे पास एक उसका वर्बल प्रॉमिस है कि वो मुझे पैसे देगा. सही है, अकाउंट रिसीवेबल. अब दो तरह के रिसीवेबल्स होते हैं, एक होते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल, दूसरे होते हैं आपके नोट रिसीवेबल. सही है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि वर्बल प्रॉमिस, जो वर्बल मुंह जबानी मैंने आपको कहा हो कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा, मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक बॉन्ड, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिख के दिए जिससे आपको लगे हाँ. ऑब्वियसली जब अकाउंट रिसीवेबल प्रॉमिस भी आपकी कंपनी ने सब कुछ दिया है, तो आप उसको एक हेल्प तो वो कर सकते हो ना, लेकिन ये वर्बल होता है. और नोट रिसीवेबल रिटन होता है. ठीक है, ये डिफरेंस होता है, और दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इनके बदले पैसे हमें मिलेंगे ना इन फ्यूचर. तो ये हो गया. ठीक है, तो ये हमारे एसेट्स हैं सारे, समझ लें, जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, कैश, लैंड, बिल्डिंग, मर्चेंडाइज, सप्लाईज, जो हम यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यूजुअली जो अकाउंटिंग में जो दूसरी चीज़ आ जाती है जो यूज़ हो सकती है, वो रिसीवेबल्स होती है, जो नॉर्मली हम
कोई देखता नहीं है सच। देखते हैं, वैसे घर में हम बोलते हैं ना, हाँ मेरे पैसे उसके पास हैं, वो भी मुझे देगा, वो मुझे देगा तो मैं जो करना काम चाह रहा हूँ मैं वो पैसे उसमें डाल दूंगा, हम सोचते हैं ना, बट वो एक अकाउंटिंग उसमें नहीं होता, कोई टर्म नहीं होती एक। तो अब एसेट्स अकाउंटिंग में क्या होते हैं, रिसीवेबल, वो पैसे देगा, पैसे मेरे आएंगे, आई स्टिल हैव दैट मनी, उस बंदे के पास है लेकिन वो है तो मेरे, राइट right? तो वो मेरा एसेट है, वो जैसे ही आएंगे मैं उसको फर्दर यूज कर सकता हूँ। तो एसेट्स क्या होंगे अगर हम एक सिंपल वर्ड में कहें, तो जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो, सही है, रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर, गॉट इट। अब हमने एसेट्स कर लिया, अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज क्या है, उधार, हमने किससे कितना उधार लिया है। ओनर्स इक्विटी क्या है, कि ओनर जो है एक कंपनी का, उसने अपने कितने पैसे डाले हैं। हर ऑब्वियसली ये नहीं होता कि हर बिजनेस के पास लाइबिलिटी हो, बट यूजुअली सबके पास होती है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये लाइबिलिटी बिजनेस खोलने की हो, जैसे कि मैंने कहा कि हम जब किसी को यू नो रिसीवेबल्स पे पेमेंट देते हैं, क्रेडिट पे पेमेंट देते हैं, क्रेडिट क्या है कि एक प्रॉमिस, वर्बल प्रॉमिस कि हाँ वो हमें पैसे देंगे, हम उनको चीज़ें दे रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं होता ऑब्वियसली, ये तो आप सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही ये सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है, आपके लॉयल कस्टमर जिनका आपको आइडिया है कि वो मुझे पैसे दे देंगे। तो आपके पास वो वाली लाइबिलिटीज हो सकती है, आप फॉर एग्जांपल एक मर्चेंडाइज हैं, आप चीज़ें बनाते हैं, आपकी सप्लाई जो है ना उसमें आपके पास पेएबल्स हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो सकती है। जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने बैंक से या किसी से वो यू नो लाइबिलिटी ली थी कि मैं आपको वापस उधार ले रहा हूँ, बाद में दे दूँगा, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज आपकी जो आपको बाद में पैसे देने होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे रिसीवेबल्स एसेट्स हैं, तो लाइबिलिटीज़ क्या हैं आपके, पेएबल्स। अब लाइबिलिटीज पेएबल होते हैं, अब इसमें भी दो टाइप ही होती हैं, सही है, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल, सही है। अकाउंट्स पेएबल जैसे उसमें था कि वर्बल प्रॉमिस, और नोट्स पेएबल रिटन प्रॉमिस, ठीक है। आपकी तरफ से रिटन प्रॉमिस कि आप किसी को फ्यूचर में पैसे दे दोगे, वो आपको किसी ने किया था। लाइबिलिटीज में आप किसी को कर रहे हो, जब आप किसी को करते हो तो आप उसको लिखते हो पेएबल्स। लाइबिलिटीज में क्या आता है, पेएबल। एसेट्स में क्या आता है, रिसीवेबल। पेएबल आपको पे करना है, आपके पास उधार है, आपकी लाइबिलिटी है, उधार लाइबिलिटी, ठीक है, और वो आपके पेएबल्स होते हैं, यानी आपको पे करने हैं। एसेट्स रिसीवेबल, यानी आप रिसीव करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी वही है जो हम बिजनेस करते क्यों हैं, ताकि हमारी ओनर्स इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। किस तरह बढ़े, रेवेन्यूज से बढ़े। जब हम एसेट्स यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी ओनर्स इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम एसेट्स यूज़ करके अपना रेवेन्यू बनाते हैं जो कि हमारी ओनर्स इक्विटी में जाता है, जिसको हम नेट इनकम कहते हैं। वो नेक्स्ट टाइम जब हम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक करेंगे तब मे भी आ जाए, ठीक है। आई मीन अभी दिस इज़ वेरी इजी, सही है, कि मतलब ओनर्स इक्विटी हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, ये यूजुअली हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं। ओनर्स इक्विटी क्या है, ओनर क्या रखता है, ओनर ने कितने पैसे दिए हैं, सही है। ओनर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करता है वो आपकी ओनर्स इक्विटी है। लाइबिलिटीज में है, आप लोन भी लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट्स, ओनर की इन्वेस्टमेंट्स आपकी ओनर्स इक्विटी हैं, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ओनर, ठीक है। और ओनर्स इक्विटी हो गया। अब आपके एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के हमेशा इक्वल आएंगे, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब भी यही होता है,
और जब वैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हर एसेट्स के बदले हर आपकी जो आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई चीज़ यूज़ करने के लिए ली, वो उसके साथ आपका हमेशा एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल आपको याद होगा जो हमने कहा था, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट, एवरी एक्सपेंस हैज़ अ रेवेन्यू, जो हमने पहले एक किया है वीडियो में, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई हो रही है कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ये क्या है ये समझ लें आप, का कैश है। ठीक है, जब भी आप कोई एसेट ग्रैब करते हैं वो आप कैश पे ही करते हैं, अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी वही कैश हो गया, सही है, तो उस पे करते हैं। तो जब एसेट पड़ता है तो ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी भी, दोनों में से कोई ना कोई, मैं क्या कह रही हूँ, एंड टॉपिक है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, सही है। जब आपके पास रिसीवेबल्स आते हैं, आपका रिसीवेबल बढ़ा तो आपके पास आपकी कुछ चीज़ें जाती भी हैं, आपने अपने गुड्स दिए। ठीक है, जब आपके पास पेबल आता है तो आपके पास कोई सप्लाई आती है, आपने किस चीज़ की सप्लाई ली होगी, कुछ लिया होगा, तो आपके पास वो एसेट आता है। तो ये यू नो ट्रेड होती रहती है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ नीचे होती है, अप एंड डाउन दोनों का होता रहता है। तो यहाँ पे आपके पास मैचिंग प्रिंसिपल, लो आप एम भी मैं सही नहीं लिख सकती, मैचिंग प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप के समझ आया हो, बहुत इजी टॉपिक था। वैसे अभी मैं दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह करने वाली हूँ।